an ace adventurer who redefines the rules of survival, unites with the leader of the world's largest democracy. When the Prime Minister addressed a public meeting at 5:15 in the evening that day, he did not condemn the Pulwama incident. He did not pay obeisance to the martyrs, and nor did he warn Pakistan. So it obviously led to two inescapable conclusions. First, that the Prime Minister was unaware, even 2 hours after the incident, that such a huge terrorist attack had taken place. And if the Prime Minister was aware, then it reflected gross insensitivity. Welcome to India. Watch this dynamic duo. मुझे लगता है विपक्ष प्रधानमंत्री के चेहरे से नफरत है. विपक्ष को नैतिक ताकत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पर कोई उंगली उठाए. मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा. On an epic adventure of a lifetime. You are the most important man in India. My job is to keep you alive. यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले आपके लिए प्रायोरिटी क्या है वो आपको देखना चाहिए था. वो शूटिंग ज़रूरी नहीं थी, उससे पहले उनको ये ज़रूरी था कि वो हाल समाचार लेते कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली उसकी रिपोर्ट लेते, वो सब बाद में हो सकता था. पीएम नरेंद्र मोदी जी की इमेज को मेलाइन करने का एक मतलब एक मौका है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और उनकी जो रणनीति है वो मतलब देश के मतलब आतंकवाद टेररिज्म को लेके या वैसे भी इंटरनल टेररिज्म उसको लेके काफ़ी साफ और स्वच्छ है. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से चौथी टाइगर एस्टिमेशन के परिणाम को बटन दबाकर पूरे विश्व के समक्ष रखने हेतु अनुरोध करता हूँ.